हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी वी फैशन। आज के इस वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये कुर्ती हम बनाएंगे दुपट्टे में से, तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारा दुपट्टा है। दुपट्टे में से मैंने लेस निकाल ली है पहले ही। ये दुपट्टे में से ही लेस निकाली है हमने। अब इसकी करेंगे हम कुर्ती की कटिंग। वन पीस में हम इस कुर्ती को बनाएंगे नीचे से अम्ब्रेला कट। तो पहले इस कपड़े को ऐसे बिछा लेंगे, हमारा जो दुपट्टा है उसको ऐसे बिछा लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर दुपट्टा बिछा लिया। दुपट्टा हमने बिछाया फोर पर्त में। ये देखिए, यहाँ से हमने फोर पर्त में दुपट्टा बिछा लिया अपना। अब लगाएंगे हम इसके गले का निशान। तो गले का निशान हम लगाएंगे 4 इंच पे। वोट गला बनाना है इसमें, तो 4 इंच पे लेंगे हम चौड़ाई। और जो इसका तीरा होगा, पूरा तीरा हम गले समेत पूरा तीरा लेंगे हम इसका 7 इंच। नॉर्मली हम गलों में लेते हैं 6.5 इंच, इसमें लेंगे हम 7 इंच। यहाँ पे हो गया हमारा 7 इंच। अब इसकी यहाँ से आरमोल की लंबाई नापेंगे। हम इसमें बनाएंगे स्लीवलेस आरमोल। तो यहाँ पे हम नॉर्मल आरमोल के लिए लेते हैं 7 इंच लंबाई, और स्लीवलेस के लेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच आरमोल की लंबाई ले ली है। अब गले की लंबाई ले लेंगे। गले की लंबाई भी हम 4 इंच लेंगे। फोर्थ गला बनाएंगे तो उसमें 4 इंच लंबाई लेंगे और 4 इंच ही चौड़ाई लेंगे। यहाँ पे ऐसे गले का निशान लगा के अब इसमें हम शेप डालेंगे। वोट नेक बनाना तो इसके लिए हम शेप डालेंगे इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे हमने शेप डाल दी। ये शेप डाली हमने 1.5 इंच पे। ये देखिए, यहाँ से हम इसे इस तरीके से शेप डाली हमने, यहाँ से 1.5 इंच लिया है। अब यहाँ से लगाएंगे आरमोल की गुलाई का निशान। तो आरमोल की गुलाई का निशान भी हमें 1 इंच पे ही लगाना है। और यहाँ से लगा लेंगे अपनी फिटिंग का निशान। तो फिटिंग का यहाँ पे हमें निशान लगाना है 9.5 इंच पे, 38 के साइज से। अब लगा लेंगे बीच से यहाँ से फिटिंग का निशान। ये लगाना हमें 7 इंच पे, और नीचे से लेना है इसका हमें 10 इंच पे। नॉर्मली सूटों में हम लेते हैं 13.5-14 इंच पे, इसमें लेना 10 इंच पे। नीचे से हम इसे अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाएंगे तो इसे 10 इंच पे यहाँ पे लेना है। यहाँ से बीच में से जो इसका फिटिंग का निशान है वो लगाएंगे हम 8 इंच पे। यहाँ पे 8 इंच पे लगा लेंगे, और नीचे से यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे 10 इंच पे निशान। अब हमने आरमोल की गुलाई के लिए 1 इंच पे निशान लगाया, तो इसकी शेप डाल लेंगे इस तरीके से। और जो हमने यहाँ फिटिंग का निशान लगाया उससे आगे हमें मार्जिन लेना है, तो वो लेना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, 1.5 इंच यहाँ पे भी। तो अपने फिटिंग वाले निशान को मिला लेंगे। इसी तरीके से हम जो हमने मार्जिन लिया उसको भी मिला लेंगे, उस निशान को भी। फिटिंग का निशान लगा लिया हमने इसका। अब लगाएंगे इसका नीचे से निशान। इसे अम्ब्रेला कट कुर्ती रखेंगे नीचे से हम, तो इसे ऐसे यहाँ से रख के तिरछा निशान लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ से तिरछा निशान लगाएंगे, और ये देखिए दुपट्टे में ऐसे ही कितनी अच्छी कुर्ती बनके हमारी रेडी हो जाएगी। और बहुत ही आसान तरीके से बस ओनली 20 मिनट में ये कुर्ती हमारी रेडी हो जाएगी बनके। इसी तरीके से इस निशान को नीचे तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और फिर नीचे वाली जो परत है इसको भी हम इक्वल करेंगे, तो उसके लिए भी निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, मेरा इंस्टा पे भी पेज है रजनी वी फैशन के नाम से ही, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लगाएंगे निशान कुर्ती का, जहाँ से हमारी फिटिंग है ये फिटिंग वाले निशान को नीचे से मिला लेंगे, जहाँ से हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से तिरछा करके यहाँ से मिला लेंगे इसे। अब कर लेंगे अपनी कुर्ती की कटिंग। ये देखिए, हमारी कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके शोल्डर वाला जो ज्वाइंट है उसको भी खोल लेंगे। इस कुर्ती में हम वोट नेक बनाएंगे और स्लीवलेस बनाएंगे इसको। तो इसके लिए इसके नेक और जो आरमोल की गुलाई है वो सेम ही लिया है आगे पीछे की। अब करेंगे इसकी स्टिचिंग।
तो यहाँ पे मेरे पास जो लेस है ये दुपट्टे में से निकाली है, ये मैंने इस लेस को इसमें यूज कर लेंगे और बड़े ही आसान तरीके से इस कुर्ती को सिल लेंगे। इस तरीके से ऐसे लेस को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे और ये बहुत ही आसान तरीके से हमारी कुर्ती बनके रेडी हो जाएगी। इसमें हमें कोई भी झंझट नहीं करना, बड़ी आसान तरीके से इस तरीके से इसमें लेस को अटैच करते जाना। इसी तरीके से हम दूसरे वाले नेक को बना लेंगे। एक नेक हमारा कंप्लीट हो गया है, दूसरे वाले नेक को भी इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे दोनों नेक बनके कंप्लीट हो गए हैं। अब लगा लेंगे हम ऊपर से शोल्डर की सिलाई को, दोनों गलों को एक साथ रख के ऊपर से शोल्डर की सिलाई को लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी आर्मोल वाली साइड है ये वाली, इस पे भी इसी तरीके से हम लेस अटैच कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे लेस लगा लेंगे। ये देखिए ये कुर्ती बनाने का सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपने शायद पहले नहीं देखा होगा। बहुत ही इजी तरीके से कुर्ती हमारी बनके रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी वाली साइड पे भी हम लेस अटैच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने अपने दोनों साइडों पे इस तरीके से लेस को अटैच कर लिया है। अब लगा लेंगे इसकी फिटिंग वाली सिलाई को, जहाँ पे हमने निशान लगाया था उसके ऊपर ही हमने फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से यहाँ से हम फिटिंग वाली सिलाई को लगा लेंगे और फिर इस सिलाई को नीचे तक सीधा ले जाएंगे, आधा इंच का गैप करते हुए इस सिलाई को नीचे तक ले जाएंगे सीधा। इसी तरीके से हम दूसरी फिटिंग की सिलाई को भी लगा लेंगे और इसे भी नीचे तक ऐसे ही सीधा ले जाएंगे। अब हम जो नीचे हमारा कुर्ती का घेरा है इस पर भी हम इस तरीके से लेस अटैच कर लेंगे। जैसे हमने गले पर अटैच की थी वैसे ही हम यहाँ पर भी घेरे पर भी लेस अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से पूरे घेरे पे हम लेस को अटैच करते जाएंगे। यहाँ पे घेरे पे भी लेस हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए हमारी पूरी कुर्ती सिल्कर रेडी हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।